लेस्टर खतरे में है, पूरा एलियन बेस है। एलियन ने मुझे देख लिया, अब ये मार देंगे। सो हेलो वॉचिंग वेलकम बैक टू मेरे वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा था कि ये मेंढक जैसे दिखने वाले एलियंस ने लॉस सैंटोस पे अटैक मारा था, और हमें अभी अभी पता चला है कि हमारे अपाच दोस्त लेस्टर को भी वो लोग उठा के ले गए हैं, मतलब किडनैप कर ले गए शायद कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और ये जो लड़की बैठी है वो कब की लेस्टर की लोकेशन निकालने में पड़ी है, और हम लोग उसको ढूंढने देते हैं। तब तक मैं आपको बाहर का जरा नज़ारा दिखा देता हूँ। हम आ गए हमारे प्यारे बाथरूम में, जहाँ पे से हम पूरा शहर देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ से मेरे को भाई पूरा का मतलब फॉग वाला वातावरण हो चुका है, और मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसशिप तो दिख नहीं रही है, थोड़ी बहुत है बाहर, मतलब पहले जितनी नहीं है। तो अभी उसको पूछ लेते हैं, यार ये हैकर को यार कितनी देर से बैठे है यहाँ पे, उसे कुछ मिला या नहीं उससे एक बार पूछ लेते हैं। ओके, तो ये हमें बता रही है कि उसने लेस्टर का फ़ोन लास्ट बार कब ऑन हुआ था, उसकी लोकेशन उसने ट्रेस कर दी, मतलब जिस जगह पर लेस्टर का ऑन हुआ था फ़ोन, तो उसने उस जगह की लोकेशन निकाल दी है। तो फटाफट से हम चलते हैं भाई नीचे, और फटाफट से भाई गाड़ी में भी बैठते हैं। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, और हम जा रहे हैं हमारे दोस्त को बचाने के लिए। तो मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ कि हमारा घर ये रहा, और हमें जाना है, ये वाली बोट जो दिख रही है आपको बहुत दूर है, तो यहाँ पर हमें जाना है। तो ऑफकोर्स हम गाड़ी पर नहीं जाएँगे, आगे जाके भाई हम कोई बोट लेंगे। तो यहाँ पे एक शिप है बहुत बड़ी, शिप बोट नहीं बोलूँगा मैं, शिप है, उसमें जाना है। तो मैंने यार ये हैकर से एक गाड़ी मंगवा ली थी, एकदम मस्त इलेक्ट्रिक कार है, और इसमें भाई आवाज़ ही नहीं आता है। ये देखो एकदम भाई साइलेंटली गाड़ी चलती है, और इसमें आवाज़ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं पूरा तो शिप में तो नहीं जाऊँगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो हाँ बस यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या है, बोट मिल जाएगी। तो ये देखो एकदम साइलेंट कार है, कोई आवाज़ नहीं आएगा। यार मेरे को एक छोटी सी बात कर रहा है कि भाई पूरे लॉस सैंटोस में एलियन है ना घूम रहे हैं, और स्पेसशिप भी घूम रही है, तो यार मेरे को कोई उनमें से पकड़ ना ले। तो यहाँ से चलता हूँ, पीछे तो एलियंस है, पीछे एलियंस तो है नहीं, पर यहाँ पे वो है। अबे भाई पीछे पूरी, और ये देखो भाई तो यहाँ पे पूरी फौज है। मेरे को भाई गाड़ी भगानी पड़ेगी, रुको भाई, पीछे पूरी फौज थी, चलाने दो मेरे को, थोड़ी तेज़ गाड़ी चलानी पड़ेगी। देख लेता हूँ भाई यार पीछे कोई आ तो नहीं रहा है ना। अच्छा है भाई, दूर दूर तक कोई मेरे को दिख नहीं रहा है। रुको रुको भाई, मुड़ाने दो, फटाफट फटाफट निकलो निकलो यहाँ से, इस एरिया में से मेरे को निकलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं फाइनली मेरी डेस्टिनेशन पहुँच चुका हूँ, मतलब मेरी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ। ये देखो ये रहा, मतलब यहाँ से मेरे को एक बोट मिल जाएगी। यहाँ पर सामने कोई खड़ा है क्या, मेरे को ध्यान से देखना पड़ रहा है, मतलब देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये देखो, मेरे को पता था ये लोग का भाई ट्रैप है, मेरे को पीछे पकड़ने के लिए नहीं आएंगे, भले मेरे को देख लिया, पर इन लोगों को भाई पता चलेगा कि मैं कहाँ पर आ रहा हूँ। अभी भाई मेरा मरना निश्चिंत है, मैं मरने जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरा भी भाई बैंड बजने वाला है। यहाँ पे मैं शांति से मैं गाड़ी पे से उतर जाता हूँ। सबका भाई, सबके पास वो कौन सी बम्बू वाली गन्स है जिसमें से लेज़र निकलती है, और ये लोग अभी मेरा कीमा बनाने वाले हैं, बहुत ही गंदा वाला भाई। मैं देखो, ये मेरे पे ही एम कर रखेंगे। ये देखो भाई, मैं किधर भी जाऊँ, कोई भी डायरेक्शन में जाऊँ, बंदूक भाई मेरे ऐसे मतलब एम करके रखी हुई है पूरी की पूरी। तो अभी मेरे पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं है। ओके, हमारा सफ़र यहीं तक था, ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मेरे को दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे को बचाने आने वाला, और जो दूर तक जो शिप दिख रही है मेरे को, वहाँ पर जाना था, वहाँ पर लेस्टर है हमारा भाई, तो हम उसको भी नहीं बचा पाएंगे और ख़ुद भी नहीं बच पाएंगे। ये चार एलियंस मेंढक जैसे हमारे सामने खड़े हैं। 3 सेकंड है, 3, 2, 1। अरे तेरी, अबे भाई कीमा बना दिया भाई इन लोगों का तो, भाई साहब भाई ये गोली कौन चला कौन रहा है। अरे मेरा भाई ड्राइवर, अरे भाई क्या, भाई क्या एंट्री मारी है इसने, भाई साहब, भाई ट्रैवर भाई यार क्या, ओ भाई ये सही में ये एलियन से नहीं, मिंडक जैसी है, सही में मैं बता रहा हूँ भाई क्या एंट्री मारी है भाई ये एंडिंग टाइम पे इसने, ओ भाई। अरे वो मर गए, अभी जाने दे, एम करके रखा हुआ है ड्राइवर, ओ भाई साहब। वैसे चलो अच्छा है भाई ड्राइवर आ गया, वरना ये चारों मेरे हाथों से ही मारे जाते। तो मैं आपको AWM निकाल के एक बार दिखा देता हूँ, ये जो सामने शिप दिख रही है हमें यहीं पे जाना है, सामने ये रही देखो शिप। ओके, तो हमें नीचे से एक बोट मिल गई है, तो मैंने ड्राइवर को बोला उसमें जाके बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ। अरे यार ये देखो कितनी दूर ले गया बोट को, मेरे को थोड़ा तैर के जाना पड़ेगा। यार मैंने ड्राइवर से पूछा कि यार तुझे लोकेशन किसने बताई, तो वो बोल रहा है कि वो मेरे घर पर आया था, और मेरे घर पर आने के बाद वो हैकर ने उसको ये लोकेशन दी,
तो बस वो मेरे को मतलब थोड़ा बहुत फॉलो करते करते आ रहा था, तो बस वो मिल गया। अच्छा है भाई, ठीक टाइम पे वो आ गया, चलो अच्छा है। ओके तो अभी बैठते हैं और भाई चलते हैं भाई हमारे लेस्टर भाई को बचाने के लिए। तो भाई अभी ड्राइवर मेरे साथ है तो मेरे को भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ये मेरे दिमाग में पहले नहीं आया कि भाई मैं ड्राइवर को लेके चलता हूँ, पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। पर यार मेरे को एक चीज़ का और आइडिया नहीं है कि भाई शिप पे इससे भी ज़्यादा एलियंस होंगे, मतलब शिप पे तो भाई उनका मतलब शायद से बेस ही है एलियंस का, तो हो सकता है वहाँ पे भाई हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा एलियंस हो। तो अभी वहाँ पे चल के देखते कि भाई क्या सीन है। ओके तो मैं यहाँ पे शिप के बहुत ही ज़्यादा पास में आ चुका हूँ, पर मैं भाई बोट को उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जाऊँगा, मैं थोड़ी राइट से मतलब थोड़ा घूम के ले जाता हूँ, और मतलब अंदर जाने के लिए तो मैं थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा तैरना ही पड़ेगा। तो मैं ड्राइवर को बोल दूँगा कि वो शिप पे बैठा रहेगा, मतलब सॉरी बोट पे बैठा रहेगा, और भाई कोई बैकअप चाहिए होगा तो मैं ड्राइवर को बुला लूँगा। ड्राइवर को ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सीधा ऊपर आते ही भाई मारधाड़ शुरू कर देगा, तो इसलिए भाई मैं उसको यार इस मतलब इधर ही रोकने के लिए बोल देता हूँ। तो मैं बोलूँगा उसको कि जैसे ही मैं लेस्टर को सेफली मतलब रेस्क्यू कर लूँ तो वो सीधा बोट लेके शिप के नीचे आ जाए, तो सीधा हम भाई बोट में बैठ के सीधा भाई निकल लेंगे। तो ओके मेरे को आगे से मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा आगे चला जाता हूँ और आगे से मैं पानी में कूद जाऊँगा। ओके तो ये वाली जगह परफेक्ट है, यहाँ से मैं एकदम धीरे से कूद जाता हूँ नीचे। ओके और अभी मैं बढ़ता हूँ भाई शिप की तरफ, और भाई शिप थोड़ी मतलब दूर है, मुझे कुछ ज़्यादा ही तैर के जाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मतलब उनको भनक नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई हमें लेस्टर एकदम सेफ चाहिए, तो बस उनको पता नहीं चलना चाहिए कि भाई हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे। ओके तो मैं अभी बहुत ज़्यादा पास पहुँच चुका हूँ, और मेरे को कुछ उड़ता हुआ दिखा दिया। ओ तेरी भाई बच गया, इसने मेरे को देखा नहीं, पर ये भाई हाइड्रा जेट यहाँ पे क्या कर रहा था पता नहीं, मिलिट्री वाले भाई उसका यूज़ करते हैं, और अभी अभी ये शिप पे से ही उड़ा, मतलब शिप पे से इसने फ्लाइट ली मतलब क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो भाई मेरे को अंदर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा शिप के अंदर, तो मेरे को भाई पूरा मतलब ये देखो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो मेरे को थोड़ा मतलब घूम के जाना पड़ेगा पीछे की साइड, और वहाँ पे शायद से मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो शिप होती है, शिप या याक जो भी हो, तो उसके अंदर मतलब जाने का रास्ता होता है एकदम छोटा सा, तो वहाँ से मैं जाने का ट्राई करता हूँ। ओके तो जैसा मैंने बोला था, ये देखो यहाँ पे मेरे को एक जाने का रास्ता मिल गया, मैं पूरा घूम के आया, तो मेरे को भाई थोड़ा मतलब साइलेंटली जाना पड़ेगा, कोई देख ना ले मेरे को, यहाँ पे कोई एलियन नहीं खड़ा, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से सीधा अंदर चला जाता हूँ। ओके तो यहाँ से मैं एकदम साइलेंटली चढ़ जाता हूँ, ओके आराम से एकदम ऊपर। यहाँ पे काम करता हूँ, मेरी गन निकाल लेता हूँ। वो तेरी मेरे को सामने दिख रहा है कोई एलियन, कोई साइलेंसर वाली गन है मेरे पास, हाँ ये रही, ये साइलेंसर लगा हुआ है इसमें, तो ये वाली गन ले ली है मैंने हाथ में। तो मेरे को सामने एक एलियन की भाई उसका मुंडा दिखा था, मतलब उसका सर दिखा था, ये रहा देखो ये रहा एलियन, तो उसके थोड़े से पास में जाके मारता हूँ उसे। ये रुको रुको, यहाँ से वो गिरेगा तो आवाज़ आएगा, पर वैसे भी यार ये मरना तो वाला है मेरे हाथों से, तो यार ये साइलेंसर मतलब आवाज़ ना करे तो अच्छा, ये गन ज़्यादा था। यहाँ पे सामने भी एक एलियन खड़ा है नीचे के साइड भी, पर वो मेरे को देख नहीं पाएगा, ये गया। नीचे वाले एलियन को जाने देते हैं क्योंकि भाई उससे भाई उसे मारने जाएंगे, पता चला भाई नीचे और भी हैं, तो यहाँ से चुपचाप है सीढ़ियों पे से हम ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पे कोई पूरा खाली है भाई, आप देख सकते हो भाई पूरे पूरे वेपन के क्रेट पड़े हुए हैं, वेपन्स के क्रेट हैं, और बहुत सारे भाई प्राइवेट जेट पड़े हुए हैं, तो भाई जेट्स को जाने दो अभी। यहाँ से ये देखो यहाँ पे खड़ा है एकदम भाई कोने में खड़ा है वो, देखो सामने, उसको जाने दो, ये रहा देखो। अभी मेरे को एकदम ध्यान से भाई एकदम चोरी छुपे जाना पड़ेगा मेरे को, ये देखो ये खड़ा, इससे ये गया। ओके डन, मेरे को भाई थोड़ा धीरज रख के मारना पड़ेगा सबको। ओके यहाँ देखो ये रहा सामने, ये रुको रुको रुको, सबसे पहले मेरे को इसको मारना पड़ेगा, वरना मैं इसको मारूंगा तो ये देख जाएगा पहले, तो मेरे को ये सामने वाले को पहले टपकाना पड़ेगा। रुको यार, इसको टपकाऊँ या सामने वाले को टपकाऊँ, इसी को टपकाता हूँ सामने वाले को। रुको, एक के साथ दो गन फायर करूँगा तो ये भी जाएगा और इसके पीछे वाला भी जाएगा, ये गया, और तेरी बच गया, ये गोली बच गई। ओ तेरी, ओ भाई अच्छा वो उसने सुना नहीं भाई, साइलेंसर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ओके एरिया क्लियर, अभी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे एकदम शांति से। यहाँ पे भाई कोई है नहीं, दिख नहीं रहा मेरे को, यहाँ पे अंदर देख लेते हैं। ओके ये देखो सामने ये रहा, इसकी गन दिख रही है भाई। ओके तो मैं यहाँ से अभी आगे जा रहा हूँ थोड़ा धीरे धीरे करके, एकदम धीरे धीरे भाई इसको पता ना चल जाए, वरना इसके पास भाई क्या है लेज़र गन है, और ये गया चल। ओके इसको मैंने डाउन कर दिया बड़े आराम से, अभी धीरे धीरे ऊपर चलते हैं।
भाई किसी को पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब कोई एलियन को कोई डाउट वाउट भी नहीं हुआ, इसलिए अच्छा है। ये हेड शॉट सबको भाई मैंने एकदम तगड़े वाले हेड दे के डाउन कर दिया है, अभी सबके सब डाउन है यहाँ पे। ओके ये रहा भाई, कितने एलियंस खड़े रखे हैं भाई, पीछे घूम के खड़े हैं ऐसे, कोई भी ऐसे ये देखो मार जाए भाई, सब बच गया, वरना इसकी डेड बॉडी बाहर चली जाती, दौड़ता दौड़ता पता चले भाई सीधा बाहर ही चला जाए। ये देखो यहाँ पे खड़ा ये एक, तो भाई मेरे को बाहर, ये देखो ये रहा यार लेस्टर, ये रहा हमारा यार, मैं यहाँ पे ठीक से कवर नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को यहाँ साइड में कवर लेना पड़ेगा। हाँ बस उतरी बच गया, गन बाहर चली गई, शीट भाई मेरा पाँव लगा गन पे और गन बाहर चली गई। यहाँ पे ब्लैक कलर का एलियन भी आप देख सकते हो, पर अभी मेरे को कुछ करना नहीं है। अरे हो सकता है मैं अगर बाहर चला गया भाई पूरी एलियन की फौज मेरे पे टूट पड़े, पर मेरे को कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मेरे को ये भाई ये खड़ा रह के मैं कुछ कर नहीं सकता, और वो ब्लैक कलर का एलियन कुछ निकलवा रहा है लेस्टर से। उतर ये यहाँ क्यों आ रहा है? अरे यार मेरे को निकलना पड़ेगा, रुको भागो, ऊपर भाग जाता हूँ, रुको, पर अच्छा कवर है। ओ शिट, उसको पक्का डाउट हुआ है मेरे पे, ये ऊपर ना आए भाई। भाई यार शिट, नीचे भाई एकदम तगड़ा व्यू आ रहा था, रुको ऊपर से भी मैं देख सकता हूँ, रुको रुको रुको, यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, मतलब एक और फ्लोर है ऊपर, यहाँ से दिख रहा है क्या सब कुछ? एक काम करता हूँ मैं ऊपर से स्नाइपर से भाई सबको डाउन कर देता हूँ, पर यार शायद से मेरी स्नाइपर में साइलेंसर नहीं है। ये देखो ओके मैंने AWM निकाल लिए, और ये लेस्टर से ना मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है, अभी मेरे को भी नहीं पता है लेस्टर को ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, पर पता नहीं क्या कुछ निकलवा रहा है लेस्टर से। तो मैं ऊपर चलता हूँ, रुको ऊपर मेरे को शायद, नहीं 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 नहीं, अच्छा भाई ऊपर के दो फ्लोर पे कोई एलियंस नहीं है, फिर भी यार ये गन निकाल देता हूँ। नहीं 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 क्लियर है, ये देखो यहाँ से भाई एकदम तगड़ा व्यू आ रहा है। अभी मैं आपको स्नाइपर लिंक निकाल के दिखाता हूँ एक बार, ये देखो कुछ तो बात कर रहा है यार, लेस्टर से बता रहा है, लेस्टर कुछ मुंडी हिला रहा है, क्या क्या चल क्या रहा है? और ये दोनों बम्बू पकड़ के खड़े हैं, बम्बू वाली लेजर पकड़ के खड़े हैं दोनों। मैं यहाँ चाहूँ तो इधर से ठोक सकता हूँ, पर यार मेरे को एक चीज़ का डर है भाई कि मैं इसको ठोक दूँगा तो यार पूरी फौज मेरे पीछे ना आ जाए, इसलिए मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा। अब एक काम करते हैं, धीरे धीरे नीचे चलते हैं, मेरे को एक एक करके ही सबको डाउन करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं धीरे धीरे नीचे चलता हूँ, सबसे पहले वो जो अंदर आया ना उसको पहले मैं डाउन कर देता हूँ, अंदर वाले को पहले डाउन करते हैं। तो ये गन निकाल ली मैंने, ओके तो अभी आने दो उसको। अबे तेरी, ओ शिट शिट शिट, इसने फायर कर दिया। अरे यार शिट 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 शिट, अभी नीचे भी सबको पता चल गया होगा। अरे यार एक काम करता हूँ फटाफट से मैं मेरी M4 निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई अभी पिस्तौल से कुछ काम नहीं चलेगा, अभी मैं सीधे M4 से ही भाई सीधा भाई सबको टपकाना शुरू कर दूंगा। तो धीरे धीरे नीचे चलते हैं भाई, मेरे को लग रहा है पूरी एलियन की फौज मेरी राह देख के बैठी होगी, और मेरे को भाई सब संभालना पड़ेगा। उतरी लेस्टर के पास एलियन थे वो नहीं थे, उतरी ये सामने आ गई, देखो एकदम से भाई सामने आ गया। भाई ये बाहर कैसी फायरिंग चल रही है भाई, अंदर अंदर लड़ रहे क्या ये लोग? ये देखो कोई और ही मार रहा है इनको। अरे अरे भाई, अबे ये मार रहा था क्या इन लोगों को? भाई अरे देखो भाई, ये अपने आप ही भाई इतनी सारी भाई डेड बॉडीज बिछा दी सबने, मतलब ये अंदर अंदर शायद लड़ रहे थे, और ये पता नहीं यार ऐसे ही भाई कैसे मर गए। ये देखो अबे यार ड्राइवर, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये लोग भाई मारा किसने, ये ड्राइवर है सब कुछ अकेला ही कर गया। क्या बोलूँ यार मैं इसको, मैंने बोला था बैठना पर अभी कोई बात नहीं, अभी बचा लिया। तो ये एक मिनट, मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे एक स्पेसशिप खड़ी थी, मतलब एक एयरक्राफ्ट खड़ा था, वो अभी जा चुका है, मतलब वो जो ब्लैक कलर का एलियन था वो, ये देखो ये रहा, ये जा रहा है देखो एयरक्राफ्ट में, वो भाई फट्टू साला उड़ के ये वाले एयरक्राफ्ट में चला गया, ये देखो। ओके सो कोई बात नहीं, अभी के लिए भाई मेरे को लेस्टर जो है थोड़ा मतलब थैंक यू भाई भाईचारा कर रहा है, दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई मैंने उसको बोला कि अभी थैंक यू बोलने का टाइम नहीं है, पूरी एलियन फोर्स यहाँ पे आ रही होगी, तो निकलते हैं यहाँ से। ओके तो हम जा रहे हैं अभी लॉस सैंटोस के लिए, और मेरे को लेस्टर ने अभी एक शॉकिंग बात बताई कि मिलिट्री कर्नल जो है वो भी भाई एलियन से मिला हुआ है, मतलब उसने ऐसा बोला कि तुम जब शिप पे आए तभी उसकी थोड़ी देर पहले ही मतलब वो मिलिट्री कर्नल निकला, मतलब हमने जो जेट देखा था वो मिलिट्री कर्नल का था यार, क्या यार। ओके हम पहुँच चुके हैं फाइनली लॉस सैंटोस, तो बहुत ही पास में अभी तो, और लेस्टर भी हमारा एकदम सेफली बच गया, और मेरे को भाई अभी थोड़ी एकदम मतलब
खुशी मिल रही है थोड़ी कि भाई अभी हमने कुछ अच्छा काम किया है मतलब। तो मेरे को एक मिनट रुको, मेरे को यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। अरे यार शिट, अरे नहीं अभी ये क्या, अरे यार भाई लेस्टर को बचाने गए तो हम तीनों इधर फंस गए। अरे शिट यार,